नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 साइंस का एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने बाकी पार्टों को देखा और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला होता है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। मेनली यहाँ पे बात होगी कंपाउंड्स पे, तो कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड हमारे सामने है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट है उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है अगर, तो उसी को हम लोग उसका केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। इससे हम लोग केमिकल फॉर्मूला से हम लोग को पता चल जाता है कि उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है और कितने नंबर ऑफ एटम उसके पार्टिकुलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये फिक्स्ड होता है। तो इसको राइट कैसे करेंगे, सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम लोग H2O लिखते थे, ठीक है, H2O वाटर का फॉर्मूला, H2O हर जगह चला था, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो वाटर का H2O जो होता है तो उसमें H2O वो कैसे लिखते, कहां से आ गया H2O, यही चीज हम लोग सीखेंगे। H3O क्यों नहीं हुआ या HO2 क्यों नहीं हो गया, H2O ही क्यों होता है हर जगह और यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये कहीं चेंज नहीं होगा। आप अगर चांद पर से अगर वाटर का, अगर वहां से अगर हम वाटर लेते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो उसका भी फॉर्मूला H2O ही होगा। अर्थ के डीप ओशन से भी लेते हैं तो उसका भी फॉर्मूला H2O होगा। ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका भी H2O होता है। तो ये फिक्स्ड कैसे हुआ, इसको लिखते कैसे, तो आज वाले वीडियो हम लोग जानेंगे। ऐसे में हम लोग आज वाले वीडियो का अगर आप लोग पूरा देखते हैं तो हम लोग सारे समझ जाएंगे कि सारे फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं। मोस्टली इसमें मेन फोकस रहेगा आयोनिक कंपाउंड में, तो आयोनिक कंपाउंड तो एटलीस्ट हम लोग सीख ही जाएंगे कि कैसे उसको फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, उसको लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कंपोजिशन का, उसमें क्या कौन कौन सा एलिमेंट है। और केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। दो चीज अगर हम जानेंगे तो हम लोग किसी भी जो आयनिक कंपाउंड है उसका हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो वो दो चीज क्या है, तो सबसे पहले होगा सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का हम लोग को सिंबल जानना होगा। अगर आप नहीं जानते तो बुक में दिया हुआ उसका चार्ट आप सामने रखिए, उसमें से देख देख के यूज कीजिए, धीरे धीरे वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ तो सिंपल होते हैं, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन का O, कार्बन का C, हाइड्रोजन का H, इस तरह के कुछ तो सिंपल सिंपल होते हैं तो वो याद हो जाएगा तुरंत एक बार में। अगर कुछ जो टफ है, कुछ नहीं याद होते हैं तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज हो जाता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है, तो पहले इस दोनों कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग केमिकल फॉर्मूला राइट करना समझेंगे। तो सिंबल ऑफ द एलिमेंट मैंने तो दो तीन लेक्चर पहले बता ही चुका हूँ कि सिंबल ऑफ द एलिमेंट कैसे लिखते हैं, फिर भी इस वाले पार्ट में हम लोग जल्दी जल्दी में समझ लेते हैं। किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो IUPAC द्वारा निर्धारित किया जाता है, वो फिक्स्ड होता है। कुछ कुछ एलिमेंट का वो दो लेटर में ही होता है, जैसे मैंने बताया था दो तीन वीडियो पीछे वाला पार्ट में। तो उसमें या तो आप सिंगल लेटर पे लिख सकते हैं या फिर डबल लेटर पे लिख सकते हैं, तीन लेटर नहीं जाएगा। पहला अगर सिंपल रहेगा तो अगर सिंगल लेटर है तो उसका फर्स्ट वाला जो लेटर, जैसे कार्बन का जो फर्स्ट वाला लेटर जो है उससे ही इसका सिंबल रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद अगर सी से ही और एलिमेंट आ गए, जैसे कि कैल्शियम हो गया, वो भी सी से ही है, तो इसमें दो लेटर लिख देंगे, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट वाला बड़ा से होगा, कैपिटल लेटर होगा, दूसरा वाला स्मॉल लेटर से होगा। तो ये इसमें कंसेप्ट, कोई जरूरी नहीं है सेकेंड हो, कहीं कहीं थर्ड फोर्थ लेटर भी लिखा जाता है, ये फिक्स्ड किया जाता है IUPAC के द्वारा, ठीक है। तो ये केमिकल सिंबल है, इसको आप ध्यान में रखिए। नहीं याद हो रहा है तो सामने रख के देख के बना सकते हैं, धीरे धीरे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट को एक वर्ड में कहा जाता है वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी जो टर्म होता है ये अगले चैप्टर में आएगा डिटेल में, उसमें ही अच्छे से समझ में आएगा, फिलहाल के लिए ये समझ लेते हैं। तो वैलेंसी जो होता है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट होता है, उसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं। तो जितनी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, 1 है, 2 है, मतलब कि एक एलिमेंट का कोई एटम है वो कितनी उसकी कैपेसिटी, कितने दूसरे दो को पकड़ सकता है, तीन को पकड़ सकता है या एक ही को पकड़ सकता है, इसी को वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल टर्म के लिए अभी के लिए हम लोग जितने जो आयंस और कैटायंस और एनायंस पढ़े थे, जो आयंस पढ़े थे तो उसमें 1 चार्ज था, 2 चार्ज था, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, कोई भी हो, तो उसको ही अभी के लिए मान के चलते हैं, वही उसकी वैलेंसी होती है। आगे जाके और क्लियर होगा, फिलहाल के लिए अभी हम लोग डिटेल में वैलेंसी पे नहीं जा रहे हैं। फिलहाल के लिए जितना उसमें चार्ज होता है उसको ही हम लोग वैलेंसी मान लेते हैं। तो ये वाला चार्ट आपके बुक में दिया हुआ था, तो इसमें ही दिया हुआ है, जैसे कि सोडियम पे पॉजिटिव 1 चार्ज है तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, 1 हो गई, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई हम निगेटिव चार्ज वाला देखते हैं, जैसे क्लोरीन का भी -1 है
तो इसकी वैलेंसी वन होगी। पॉजिटिव और निगेटिव को यहाँ पे थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, नंबर कितना है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, ये देखना है, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला जितना हो गया, पॉजिटिव वन वाले या निगेटिव वन वाले, उन सबकी वैलेंसी यहाँ पे आप दिया हुआ है, वैलेंसी वन हो जाएगी। ऐसे उसी तरह से अगर हम पॉजिटिव टू चार्ज हो या पॉजिटिव माइनस टू चार्ज हो, ठीक है, दोनों का वैलेंसी टू हो जाएगा। उसी तरह थ्री में अगर हो तो थ्री हो जाएगा, फोर है तो फोर हो जाएगा, मैक्सिमम फोर तक ही जाता है, कुछ कुछ एलिमेंट में फाइव सिक्स भी जाता है, लेकिन मैक्सिमम वन टू थ्री से ही काम हो जाता है। लेकिन हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी इनर्ट गैस को छोड़ के। तो अब केमिकल फॉर्मूला राइट करना है, उसको हमको रूल चाहिए, क्या रूल होता है, ठीक है। तो वैलेंसी और चार्ज जो भी होता है एलिमेंट का, वो बैलेंस्ड होना चाहिए किसी भी फॉर्मूला में, ये फर्स्ट रूल हो गया। कैसे बैलेंस्ड होगा अभी मैं आगे प्रैक्टिस करके बताऊंगा, लिख के बताऊंगा, तो वहां पे क्लियर हो। अभी के लिए समझ लीजिए कि जो वैलेंसी और चार्ज है दोनों बैलेंस्ड होना चाहिए। एक की वैलेंसी दो है तो दूसरे वाले को भी दो करना, कैसे करना अभी आगे आएगा, मैं बता दूंगा। व्हेन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल और नॉन मेटल, द नेम ऑफ द सिंबल ऑफ द मेटल रिटन फर्स्ट। अगर किसी कंपाउंड में, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल दोनों आ जाते हैं तो उसमें मेटल को पहले लिखेंगे, नॉन मेटल को बाद में लिखेंगे। यहाँ पे केमिकल सिंबल की बात करें, उस एलिमेंट की सिंबल की बात, इसीलिए आप ध्यान दिए होंगे कि NaCl सोडियम क्लोराइड में सोडियम जो है मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो सोडियम को हमेशा Na पहले लिखा जाता है, क्लोरीन का Cl को बाद में लिखा जाता है। Cl Na नहीं लिखा जाता है, पहले नॉन मेटल बाद में मेटल नहीं लिखा जाता, पहले मेटल फिर नॉन मेटल लिखा जाएगा, ठीक है। ये रूल नंबर टू हो गया। अब रूल नंबर थ्री है कि पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन मैंने पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, हो सकता है सिमिलर हो या फिर अदर दूसरे दूसरे एलिमेंट का ग्रुप होना, उस पर एक चार्ज होता है, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, अगर वो अगर आ जाता है तो वो ब्रैकेट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये अभी आएगा एग्जाम्पल में, वहां पर समझ लेते। ये तीन रूल हो गया, इस तीनों रूल को फॉलो करना है। आयन जो वैलेंसी होता है या आयन्स होता है उसको बैलेंस करेंगे, दूसरा मेटल नॉन मेटल रहेगा तो मेटल को पहले लिखेंगे, नॉन मेटल को बाद में लिखेंगे, और तीसरा रूल हो गया कि जब भी पॉली एटॉमिक आयन होगा तो उसमें हम लोग उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये तीन रूल है। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, एक कंपाउंड है हाइड्रोजन क्लोराइड, अब इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन और क्लोराइड में हम लोग सिंबल सबसे पहले पकड़ते हैं, तो सिंबल क्या हो गया, हाइड्रोजन का एच, ठीक है, और क्लोरीन का सीएल, ये हम लोग जानते हैं सिंबल, ठीक है। चार्ट में आप देखते रहिए, बुक खोल के रखिए सामने, तो वहां से आपको क्लियर होते रहेगा। हाइड्रोजन का सिंबल एच हो गया, क्लोरीन का सीएल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का वैलेंसी लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का भी वैलेंसी प्लस वन होता है चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, ठीक है। और क्लोरीन का कितना होता है, माइनस वन चल होता है, तो उसकी वैलेंसी वन हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव निगेटिव को अभी के लिए छोड़ के चलना है, बाद में तो आएगा ही, अभी के लिए छोड़ के चलना है। उस पर देखना है कि बस उसमें नंबर कितना, वन चार्ज है टू चार्ज है, तो जितना चार्ज है उतना लिख देना है। तो वन लिख दी, हाइड्रोजन का ही वन लिख दी, क्लोरीन का ही वन लिख दी। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट अब चीज है, अब यहाँ पे दोनों को क्रॉस कर देना है, मतलब कि क्लोरीन वाला जो पार्ट है जितना चार्ज है वो हाइड्रोजन पे लिखना है, और हाइड्रोजन पे जितनी उसकी जो वैलेंसी है वो क्लोरीन पे लिखना है, दोनों की वैलेंसी को इंटरचेंज करके लिख देना है, मतलब H1Cl1। तो H पे जो वन लिखा रहा है, H1 जो लिखा रहा है वो क्लोरीन वाला वैलेंसी वन है, और क्लोरीन पे जो लिखा रहा है वो हाइड्रोजन वाला वन है, और वन को हम लोग रिप्रेजेंटेशन में करते नहीं है, इसलिए HCl डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बन गया, एकदम सिंपल है, ठीक है। सिंबल लिखना है, वैलेंसी लिखना है, इंटरचेंज कर देना है दोनों को वैलेंसी को, ठीक है, और जो आया वही फॉर्मूला हो जाएगा, एकदम सिंपल है, ठीक है। उसी तरह आप चलते हैं वाटर पे, ठीक है। तो वाटर में सिंबल दोनों का, वाटर हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है, तो हाइड्रोजन का एच, ऑक्सीजन का ओ, ओके। वैलेंसी हाइड्रोजन का वन, ऑक्सीजन का टू, ठीक है, यहाँ वैलेंसी की बात हो रही है, चार्ज यहाँ पे अभी थोड़ा देर के लिए साइड करते हैं। हाइड्रोजन का वन, ऑक्सीजन का टू, इंटरचेंज कर देंगे, मतलब कि एच पे ऑक्सीजन का वैलेंसी को लिखेंगे और ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन का वैलेंसी को लिखेंगे, ठीक है। लिख दिए H2O, हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन का, ठीक है, और बन गया, वन को लिखते नहीं है, H2O आपका बन गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं H2O1 हो गया, इंटरचेंज करके लिखे और उसके बाद फॉर्मूला बन गया H2, इसी से फॉर्मूला आता है H2O, और ये यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट होता है। तो यहां से आप फॉर्मूला लिखना सीख रहे हैं इस वाला। अब आप देखते हैं, एक और बनाते हैं कार्बन टेट्राफ्लोराइड का। कार्बन की वैलेंसी, कार्बन का सिंबल सी और क्लोरीन का क्लोरीन सीएल, ठीक है, दोनों का सिंबल लिख दिए, दोनों का वैलेंसी लिखे, कार्बन का चार होता है, क्लोरीन का एक होता है, इंटरचेंज कर दिए, उसके बाद लिखे सी सी एल फोर, सी वन सी एल फोर होगा, तो यहाँ पे सी सी एल फोर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है।
प्रैक्टिस हो जाएगा धीरे धीरे, तो आप डायरेक्टली देखेंगे आप फॉर्मूला लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम में Mg, ठीक है, सिंबल हो गया, क्लोरीन का Cl हो गया सिंबल, उसका दोनों का वैलेंसी लिख दिए 2 और 1। ठीक है, मैग्नीशियम का 2 होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं चार्ट भी लगा दिया, यहाँ पे देख सकते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज है, वैलेंसी मैग्नीशियम का 2 है। ओके, ठीक है, तो 2, क्लोरीन का 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरीन कहाँ गया, क्लोरीन ये है, क्लोरीन इसका वैलेंसी 1 है। ठीक है, दोनों का वैलेंसी लिख दिए, इंटरचेंज कर देंगे वैलेंसी, तो यहाँ पे आप लोग आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे MgCl2, क्योंकि Mg1 और Cl2 हो जाएगा, तो 1 तो लिखते नहीं, MgCl2 लिखेंगे। ठीक है, नहीं नंबर लिखा हुआ तो 1 है, सिंबल अगर लिख दिए तो 1 एटम वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया MgCl2। ओके, अब बात करेंगे अल्मीनियम ऑक्साइड की, तो अल्मीनियम का सिंबल Al, यहाँ पे आप देख सकते हैं Al हो गया अल्मीनियम का सिंबल ये। ठीक है, और ऑक्सीजन का सिंबल हो गया O। ठीक है, दोनों का वैलेंसी लिखेंगे, अल्मीनियम का 3, ऑक्सीजन का 2, आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्मीनियम का 3, ऑक्सीजन का 2 यहाँ पे। ठीक है, इंटरचेंज कर देंगे वैलेंसी, अल्मीनियम पे 2 लिखेंगे ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन पे 3 लिखेंगे अल्मीनियम वाला। ठीक है, Al2O3, क्योंकि यहाँ पे 2 है 3 है, तो किसी को हटा नहीं सकते, 1 रहता तो हटाते हैं, 2, 3, 4 कुछ भी रहेगा हटाएंगे नहीं, Al2O3 इसका अल्मीनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3। ठीक है, अब देखते हैं सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। सोडियम का जो सिंबल हो गया Na, नाइट्रेट का जो सिंबल हो गया NO3, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रेट कहाँ गया, नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3। ठीक है, तो Na और NO3 दोनों का चार्ज लिखे हैं या वैलेंसी लिखे हैं, 1 और 2 हो गया, दोनों पे 1 ही है, तो NaNO3 हो गया यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट का ही फॉर्मूला। अब बात करेंगे कैल्शियम हाइड्रोजन, जो रूल नंबर 3 था जिसमें ब्रैकेट में बोला था कि पॉलीएटॉमिक आयन रहेगा तो उसको ब्रैकेट में लिखा है, तो वो यहाँ पे काम आने वाला है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो कैल्शियम हो गया Ca और हाइड्रोक्साइड का OH होता है, देख सकते हैं आप बुक में, तो कैल्शियम का वैलेंसी +2, हाइड्रोक्साइड का 1। ठीक है, इंटरचेंज कर दिए तो कैल्शियम पे 1 और हाइड्रोक्साइड पे OH। ठीक है, तो इस पे 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OH 2 आ रहा है, अब Ca, यहाँ पे मैंने बताया कि CaO इस तरह से नहीं लिखेंगे, CaOH2 इस तरह से करके नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे H2 हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे ओवरऑल इस दोनों एक साथ चल रहा है, हाइड्रोक्साइड का मतलब OH ही होता है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे CaOH एक साथ है, तो OH के पे ही जा रहा है 2। ठीक है, तो यहाँ पे OH को 2 पे लिखेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी डबल हो गया, हाइड्रोजन भी डबल हो गया। ठीक है, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट, अगर CaO2H2 नहीं लिखेंगे, CaOH2 लिखेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम 2 हाइड्रोक्साइड एंड के साथ यहाँ पे कंबाइंड हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो CaOH2 यहाँ पे भी रूल नंबर 3 काम कर रहा है, रूल नंबर 2 भी काम कर रहा है कि मेटल को पहले लिखेंगे और नॉन मेटल को बाद में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद वैलेंसी भी यहाँ पे बैलेंस हो जा रही है, कैल्शियम की 2 हो गया और ऑक्सीजन का 1 था, 1 और 2 कर दिए, तो 2 यहाँ पे मिलकर बैलेंस है, तो वैलेंसी तीनों रूल यहाँ पे फॉलो कर रहा है। उसी तरह इसमें भी है, इसमें भी तीनों रूल फॉलो कर रहा है। अब कुछ एक और बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है, तो सोडियम का यहाँ पे सिंबल Na, कार्बोनेट का CO3, सोडियम का वैलेंसी 1, कार्बोनेट का वैलेंसी 2, इंटरचेंज कर देंगे, Na2CO3 1 है, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा रहे। ओके, यहाँ पे O3 है, तो ऑक्सीजन को 3 रिप्रेजेंट करा, 3 एटम ऑक्सीजन है, 1 एटम कार्बन का है और 2 एटम सोडियम का, Na मतलब सोडियम। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं, अमोनियम सल्फेट कैसे लिखेंगे, NH4 अमोनियम का हो गया सिंबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं अमोनियम का, और सल्फेट हो गया SO4। ठीक है, यहाँ पे SO4 सल्फेट का हो गया और अमोनियम NH4 यहाँ पे इसका हो गया। ओके, अमोनियम का +1 चार्ज होता है या वैलेंसी 1, सल्फेट का -2 चार्ज या वैलेंसी 2, इंटरचेंज कर देंगे NH4O2। ठीक है, पूरा को रिप्रेजेंट पे ही जाएगा ना, ये पूरा कंबाइंड एक साथ मान के चलिए। ठीक है, अलग अलग नहीं लिखेंगे, NH4O2 और यहाँ पे SO4 पे तो 1 है, तो SO4 लिखेंगे, तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, जो इसका राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, सोडियम ऑक्साइड, अल्मोनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम का सिंबल हो गया Na, ठीक है, और ऑक्सीजन हो गया O। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, इस पे लिखेंगे, और ऑक्सीजन का 2 होता है जो इस पे लिखेंगे, तो 1 लिखते नहीं है, 2 यहाँ पे लिख देंगे, Na2O, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया, एकदम सिंपल है।
अल्यूमिनियम क्लोराइड का बनाना। तो अल्यूमिनियम का Al सिंबल लिखे, ठीक है, और क्लोरीन लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, क्लोरीन का Cl हो गया, अल्यूमिनियम का Al हो गया। अल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, जो कि क्लोरीन पे लिखाएगा, क्लोरीन का 1 होता है जो अल्यूमिनियम पे लिखाएगा। तो अल्यूमिनियम का 3 था, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। क्लोरीन का 1 होता है, 1 लिखना नहीं है, तो AlCl3 इसका फॉर्मूला बन गया अल्यूमिनियम क्लोराइड का। सोडियम सल्फाइड का और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। जो उसका सही होगा मैं हार्ट दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।